नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, पिछले दिनों हमने एक दो दिन पहले जो ऊटी की लहसुन है उसे उखाड़ने का ब्लॉग डाला था और आज हम वापस से जो है कटाई करने आए हैं और कटाई यहां पर हो चुकी है। कल भी हुई थी पर बारिश जैसा मौसम था इसलिए हम जो वीडियो क्लिप नहीं बना पाए, पर आज जो लास्ट में जो आज कुछ बाकी बच गया था तो कुछ मज़दूर आज भी आए हैं। कल काफ़ी ज़्यादा मज़दूर भी थे, आज कम मज़दूर हैं तो वीडियो आज बनाने का मौका वापस से मिला है। इस व्लॉग में हम पूरी जानकारी देंगे कि कितनी मजदूरी लगती है, कितना उत्पादन आया, कैसी क्वालिटी आई, सभी जानकारी देंगे। उसके लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और ऐसी ही जानकारियाँ खेती से संबंधित सभी फसलों की मंडी भाव की जानकारियाँ साथ ही साथ भाव भविष्य की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि सभी जानकारी आप तक बिना देरी के पहुँच जाए। तो किसान साथियों, हमने यहाँ पर दो दिन पहले लहसुन को उखाड़ा था, दो दिन में अच्छी धूप गिरने के कारण ये सूख गई है और पानी जैसा मौसम हो रहा था उसकी वजह से इसे कटवाना पड़ा। एक दो दिन और रह सकती थी ये, पर पानी जैसा मौसम होने की वजह से इसे कटवाना पड़ा। और जो है कटाई जो है मजदूरों के द्वारा हो रही है और इसे उखाड़ने में लगभग 2000 रुपये प्रति बीघा का खर्चा आया है मजदूरी का, और इसे काटने में भी 2000 से 2100 रुपये प्रति बीघा का खर्चा यहाँ पर आ रहा है, जिसमें कि जड़ें कमजोरी कटवा रहे हैं क्योंकि ग्रेडिंग करेंगे तो इसे धूप लगाकर जो करेंगे ग्रेडिंग तो सूख जाएगी और सूखने के बाद जो है गिर जाएगी जड़ें, इसलिए जड़ें कमजोरी कटवाई हैं। जो बड़ी जड़ें हैं वही कट रही हैं, कुछ जड़ें मजदूर यहां पर छोड़ भी रहे हैं। और इसे कटाई जो है आप देख रहे हो इस प्रकार से करा रहे हैं, थोड़ी हल्की सी लंबी डंडी रख रहे हैं क्योंकि ऊटी की लहसुन पास में से अगर काटते हैं तो इसे दांतरा होने की काफ़ी समस्या आती है, तो इसे 1 इंच दूर से हम कटवा रहे हैं। और इस प्रकार से जो है काटने का नज़ारा आप देख सकते हो, डायरेक्ट ट्रॉली में डाल रहे हैं, ट्रॉली को भराने के बाद में खेत पर ले जाएंगे, वहाँ पर जो मेन हमारा खेत है वहाँ पर डालेंगे, इसको अच्छे से सुखाएंगे, फिर ग्रेडिंग करके मंडी ले जाएंगे। तो आगे की जानकारी अभी आप जो है विजुअल में सभी देखोगे, जिसमें कि अगले वीडियो में आपको ग्रेडिंग की जानकारी भी मिलेगी, मंडी में किस भाव बिकेगी वह जानकारी भी मिलेगी। तो ये ऊटी की लहसुन है, आपने कितने बीघे की लगाई है, कौन सी वैरायटी की लगाई है आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार यहाँ पर जो है वैरायटी बनी है, क्वालिटी बनी है, जिसमें कि लड्डू साइज भी हैं तो बड़ा साइज भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ लड्डू भी हैं इसमें, 10% लड्डू की मात्रा भी निकलेगी, ग्रेडिंग में पता चलेगा कि कितना माल कौन सा निकला है। बाकी इसका कलर काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ऊटी माल की चमक ही अलग होती है, अगर देसी होता तो यहाँ पर अलग ही आपको दिख जाता, और ऊटी का जो माल है वो काफ़ी आपको अलग दिख रहा है, चमक दिख रही है। पर्दा इसका थोड़ा सा अगर सिंचाई लेट करते हैं तो कमज़ोर आता है, हमने समय पर पानी बंद कर दिया था उसकी वजह से पर्दा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माल की साइज भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लड्डू फूल गोला बोम साइज इसमें आपको शामिल देखने को मिलेगा। अब बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन इसका हमारा जो 6 बीघा की लहसुन थी उसमें लगभग 115 से 20 क्विंटल का उत्पादन अभी गीले माल के हिसाब से आया है, यानी कि 20 से 21 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसका गीले माल का उत्पादन आया है। किसान साथियों, अगर इसे हम सुखाते हैं, स्टोरेज में रखते हैं तो फिर इसका उत्पादन लगभग 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से कम हो जाएगा और 18 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन सूखे माल का आएगा। बाकी अभी जो गीला अगर हम मंडी ले जाएंगे तो इसका उत्पादन 20 से 21 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से आता है। हमारे इधर बीघे 80 कड़े के हैं, छोटे बीघे हैं उस हिसाब से 21 क्विंटल आता है, बड़े बीघे के हिसाब से अगर इसका उत्पादन निकाला जाए तो 24 से 25 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन आया है। मौसम ने अच्छा साथ दिया इस बार और ऊटी की फसल है, इसका उत्पादन काफ़ी शानदार देखने को मिला, प्रॉपर साइज बना, माल भी अच्छा निकला और काफ़ी ज़्यादा शानदार इसका रिजल्ट रहा। आपके यहाँ पर क्या उत्पादन आ रहा है, कितनी लहसुन बोई है वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है, हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं, बताने का तरीका कैसा लगता है, आगे हम ब्लॉग को जारी रख सकें उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और आप चैनल पर जाकर और भी कई सारे वीडियो जरूर देखें।